हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजारुद्दीन, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का, दैट इज़ वेक्टर अलजबरा। और इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ ओनली 20 क्वेश्चंस, और ये टर्म टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये 20 क्वेश्चंस का जो पेपर है, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर रखा है मैंने, आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, सभी जगह ये पेपर मैंने शेयर कर रखा है। तो आप जानते ही हैं कि कैसे डाउनलोड करना है पेपर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, वो बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और इसके बाद इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वन बाय वन सभी के चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो टर्म टू एग्जाम के अंदर चैप्टर आने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर कितना है? 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। और बी वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या फाइंड करना है अपने को? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अपने को क्या बताना है? प्रोजेक्शन बताना है। क्लियर? तो देखिए, वैसे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आया है, तो उनको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मान लो अगर आपके पास ये बी वेक्टर है, ए मान लो, ये जनरली ए माना जाता है, ये मान लो क्या है? बी वेक्टर है। क्लियर? तो ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होगा? आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। क्लियर? और अगर इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट आएगा ए का, वो क्या होगा? ए कॉस थीटा। बराबर, बी के डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन कितना जाएगा? ए कॉस थीटा जाएगा। क्लियर? तो अपने को क्या बताना है? ए कॉस थीटा बताना है। तो ए कॉस थीटा बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप ए कॉस थीटा अलग कर लीजिए। क्लियर? और कौन बचेगा यहाँ पर? बी। तो यहाँ से ए कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए, ए डॉट बी है, तो ये कितना हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। मतलब फाइनली अपने को ये बताना है। और जब वेक्टर नहीं लगा हो, सीधा ये लिखा हो, तो मैग्नीट्यूड ही होता है। अगर आप वेक्टर लगाएंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता था कि बी का ए पर बताइए, तब क्या? बी कॉस थीटा। क्या लिखा जाता? बी कॉस थीटा। तब यहाँ पर क्या आ जाता? ए आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। क्वेश्चन का पार्ट तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप फार्मूला याद करने की ट्रिक बता दी है, ए का बी पर बताना है तो ए कॉस थीटा लेना है, बी का बी पर बताना है तो बी कॉस थीटा। अगर आप ए कॉस थीटा लेंगे तो बी नीचे आ जाएगा, बी कॉस थीटा लेंगे तो ए नीचे आ जाएगा, ए डॉट बी ऐसे ही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो अब हमने क्या बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वो किसके बराबर हो गया? ए कॉस थीटा के बराबर। तो बताइए, ए डॉट बी 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, और आने वाला है मतलब आने वाला है, नंबर चेंज कर सकते हैं बट फार्मूला यही रहेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है अपने को। बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई जे के की जो वैल्यूज़ होती हैं डायरेक्शन में, कोफिशेंट नहीं बोलेंगे, आई जे के की जो वैल्यूज़ होती हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू कितना है? 2, उसका स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बताइए, आई डॉट आई 1 होता है, बाकी डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो वो सब हट जाएंगे। तो यहाँ से 7 2 14 प्लस 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 6 1 6 1 6 6 और माइनस प्लस माइनस 4 3 12 अपॉन 2 2 4 6 6 36 और 3 3 9। क्लियर?
14 और 6 20, 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर, ये कितना हो गया अंडर रूट 49, तो ये हो गया 8/7। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनको लेकर ही बात करेगा ये। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस के जितने भी बेसिक्स हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया है, इफ़ ए कैप, बी कैप एंड सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब इनका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1 तो है ही और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 है ना। ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। कैसे, जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इनका करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी, बराबर इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखें, हमें मालूम होता है कि a डॉट b किसके बराबर होता है, a b cos थीटा के बराबर होता है। क्लियर, अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर थीटा जो होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। अगर मैं दोनों वेक्टर सेम ले लूँ, दोनों वेक्टर क्या ले लूँ, सेम, तो दोनों वेक्टर अगर मैं सेम लूँगा तो इनके बीच का एंगल थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ए और ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ज़रा सोचिए, अगर सेम वेक्टर होंगे दो और उनके बीच का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसका बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है कि अगर आपके पास किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को तुम्हें वेक्टर में लिखना है तब आप उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए उसके, ए डॉट ए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पूरे चैप्टर के अंदर ये रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछते हैं। क्लियर, समझ में आई ये बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूरा आप वैक्टर ले लीजिए डी वैक्टर, ये पूरा कौन सा वैक्टर है, डी वैक्टर है। ठीक है, इस डी वैक्टर के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वैक्टर डॉट डी वैक्टर, बराबर, मतलब पूरा ये वैक्टर डॉट पूरा ये वैक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो देखिए, इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, तो लिख लो, लेट इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप के मॉडुलस का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप। ये वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है, वो बात अलग है, ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये पूरे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का ही डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कोई बात इस चैप्टर में सीखो या ना सीखो, लेकिन ये बात ज़रूर सीखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से डॉट बनाते चले जाइए, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव होते हैं ना, आप ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ रहा, जैसा डॉट निकालते हैं वैसे निकालते हैं। देखो, 2 2 4 ए डॉट ए प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट सी, हो गया। अब इसका ऐसे प्लस 2 बी डॉट ए या ए डॉट बी लिख सकते हैं, चलो बी डॉट ए लिख देता हूँ, बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, प्लस बी डॉट बी, हो गया, प्लस बी डॉट सी प्लस, अब सी का करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 2 सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस
सी डॉट सी। क्लियर। अब देखिए ये हो गया फोर, ये देखो दो वेक्टर का डॉट है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ये रिजल्ट दोनों तरफ से सीधा भी लिख सकते हैं आप, उल्टा भी लिख सकते हैं। सीधा मतलब कि इनका डॉट ये लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर। तो ये कितना हो गया, टू ए डॉट बी हो गया, प्लस ये कितना हो गया, टू ए डॉट सी, इसको सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, टू ए डॉट बी, कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो। और ये हो गया बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हम बी डॉट सी ही रहने देंगे, ठीक है, बी डॉट सी प्लस टू सी डॉट ए प्लस, इसको बी डॉट सी लिख सकते हैं और इसको सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए फोर इंटू ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वन के बराबर, तो वन का स्क्वायर। ए डॉट बी कौन है, ज़ीरो, ठीक है, तो ये कौन हो गया, ज़ीरो। सी डॉट ए कौन है, ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गया। ए डॉट बी कौन है, ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गया, इसकी वैल्यू वन हो गई। बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, वन के बराबर। और बी डॉट सी कितना है, ज़ीरो, निचले परपेंडिकुलर है ना, और सी डॉट ए भी ज़ीरो है, बी डॉट सी भी ज़ीरो है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। तो देखिए फोर वन जा फोर प्लस वन प्लस वन, तो कितना हो गया, टू इज इक्वल टू सिक्स। अब अपने को वैल्यू बतानी है सिर्फ किसकी, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है, स्क्वायर की नहीं। तो इधर आके ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। टेणे टेणे, मज़ा आया। हाँ तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को तो अजीब से दिखते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इनको लगाने में। चलिए दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें फिल्टर करे हैं 20 क्वेश्चंस, वो सभी हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन हैं, 100% आने के चांसेस हैं उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राइट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। देखिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यार ये बहुत गंदी आदत है, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता हूँ। ए कौन है, आई प्लस जे प्लस के, और बी कौन है, आई प्लस जे। अपने को बताना है कि राइट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है। क्लियर। अब जरा सोचिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूं तो इसका रिजल्टेंट ऊपर की साइड आता है और वो किसके बराबर होता है, बताइए, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं होता है बराबर। और यहाँ पर थीटा परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू एन कैप, तो यहाँ से एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड है ना, और बी का मैग्नीट्यूड, और साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वन के बराबर। तो अपने को ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए फिगर बना लीजिए, सॉल्व करते हैं इसे वन बाई वन। देखिए जब तक आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करेंगे तो इसको लगाने में मज़ा नहीं आएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और क्वेश्चन पेपर के थ्रू वन बाई वन इसको क्या करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिगर बना लीजिए और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का, देखिए क्या, इसमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसने बोला है कि राइट द यूनिट वेक्टर, अपने को यूनिट वेक्टर बताना है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इस इधर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एन कैप, होगा नहीं होगा। तो वो एन कैप की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, आप सीधा फॉर्मूला ले सकते हैं कि एन कैप इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब बोलो सर समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो आप, ए कैप इज इक्वल टू ए और उसका मैग्नीट्यूड, ये तो लिखते हो, क्लियर। अब तुम्हारे पास एक वेक्टर नहीं, आपके पास दो वेक्टर हैं, अब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो किसको शो करता है, ए क्रॉस बी को शो करता है, किसको शो करता है, ये जो वैल्यू है ना, आप इसकी वैल्यू ना लिखें, आप सीधा इसको क्या लिख लें, ए क्रॉस बी, बराबर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किधर आ रहा है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में अपने को क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, वो यूनिट वेक्टर आप पूरा इस तरह नहीं लिख सकते ना कि ए क्रॉस बी का कैप करके, ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसको आप एन कैप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एन कैप, ठीक है। तो देखिए ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो या तो ऊपर आएगा डायरेक्शन, या किधर आएगा, नीचे आएगा, तो दोनों ही केस में वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और दैट इज गिवन बाय ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का ही आप मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड, जैसे ए का बताना है तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का बताना है तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं वो पहले मैंने, इससे पहले वाले केस में मैंने आपको बता दिया कि बच्चे यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख देते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर, उससे भी आ जाएगा, नो इशू, लेकिन बेटर ये है। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालना आपको आता है, कैसे आता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज़ गॉट डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, आई जे के, है ना। तो बताइए इसके को वैल्यू कितने कितने, प्रोजेक्शन 1 1 1, एक्स वाई जेड डायरेक्शन प्रोजेक्शन कितना कितना है 1 1 1, और इसमें कितना है एक्स 1 और 1 और 0, क्योंकि यहाँ पर 0 के लिख सकते हैं आप इसको। तो बताइए कितना हो जाएगा, आई ये गया, ये गया 1 0 0 और 1 1 जा 1, माइनस जे ये गया, ये गया 1 0 0 माइनस 1 1 जा 1, प्लस के ये गया, ये गया 1 1 जा 1 माइनस 1 1 1 जा 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप, क्लियर। अब देखें यहाँ पर आप वैल्यू क्या आइए, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो किसके बराबर हो गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, तो हो गया माइनस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। दिस इज़ द वेक्टर विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी गिवन दैट द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन बोथ ए एंड बी, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपके नंबर गायब हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तुम्हें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, ये कोई पैरेललोग्राम बना लीजिए आप, ठीक है, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 4, तो देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या हैं इसकी, 2i कैप माइनस 3k कैप और ये 4j कैप प्लस 2k कैप। एडजेसेंट साइड का मतलब है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, बाजू वाले, क्लियर। अब इसके बाजू वाले तो ये भी है, तो ये और ये भी ले सकते हैं आप, इसके बाजू वाली ये है तो ये और ये भी, तो वो तो आपस में वैसे ही बराबर होती हैं क्या सर मजाक कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन बाय, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूला मालूम है तुम्हें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो भी वेक्टर के फॉर्म में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने से एक वेक्टर आएगा और एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो बताइए कैसे बताएंगे, ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी वेक्टर कितना है, 0i कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 2 के कैप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आई जे के
बताइए, 2 0 -3, 0 4 2, ये गया, तो ये कितना हो गया, 0 -4 3 = 12, -12 माइनस जे कैप, ये गया 2 2 = 4 -0 प्लस के कैप, ये गया 4 2 = 8 -0, क्लियर। कितना हो जाएगा, 12 i कैप -4 j कैप +8 k कैप। अब ये एरिया जो आया है वो वेक्टर फॉर्म में है, अपने को इसका क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, दैट इज़ गिवन बाय ए क्रॉस बी का मॉडुलस। कैसे निकलता है, प्रोजेक्शन के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, है ना। तो 12 12 = 144, 4 4 = 16, और ये कितना हो गया, 64, 4 4 = 16, 8 8 = 64। तो देखिए, 6 इसमें डालेंगे, 70 80 हो गया, तो 144 +80 तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 12, 224, ठीक है, सेंट यूनिट स्क्वायर, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बताइए, इसको और को सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 4 को फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर, कैमरा चल रहा है ना, हाँ चलिए प्राइम फैक्टर करके बताइए कितना आ सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, सोलह इंटू 14 लिख सकते हैं, 16 चौका 64 और 16 एकम 16 और 6 22 बराबर, और 16 का 4 12 जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 14 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन लगाएंगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि अगर आर वेक्टर आपके पास है एक्स आई कैप +y j कैप +z k कैप, देन फाइंड आर क्रॉस आई कैप डॉट आर क्रॉस जे कैप +xy, और पूरा कैलकुलेटिव फंडा है कि आपने को इसकी वैल्यू बतानी है, आर दे रखा है तो इसके अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर आप थोड़ा एक बार रिवाइज़ करिए कि अगर आपके पास ये आई कैप है यूनिट वेक्टर, ये जे कैप है और ये के कैप है, बराबर, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर, है ना। और सेम टाइप का जो क्रॉस होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सभी जीरो के बराबर होते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं, जैसे मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस जे, और के क्रॉस जे है ना, के क्रॉस जे तो माइनस का आई, और जे क्रॉस आई तो माइनस का के, ये नॉलेज होना चाहिए तुम्हें, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आर की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप +z k कैप का क्रॉस आई के साथ, फिर पूरे का डॉट किसके साथ, एक्स आई कैप +y j कैप +z k कैप है ना, क्रॉस जे कैप और +xy, ठीक है। अब देखें, ये आएगा आई क्रॉस आई तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एक्स आई क्रॉस आई
प्लस वाई जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई, इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? क्या किया, सभी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ देखें, एक्स आई क्रॉस जे प्लस वाई जे क्रॉस जे प्लस जेड के क्रॉस जे प्लस एक्स वाई। चलिए अब वैल्यूज रखेंगे, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो गया और जे क्रॉस आई हो गया माइनस के, बराबर। प्लस के क्रॉस आई कितना हो गया, जे डॉट आई क्रॉस जे किसके बराबर हो गया, के बराबर। प्लस जे क्रॉस जे सेम टाइप का क्या हो जाएगा, ज़ीरो। प्लस जेड के क्रॉस जे माइनस आई प्लस एक्स वाई, क्लियर? अब देखिए, ये हो गया माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स, इसको इधर ले लो पहले, माइनस जेड आई कैप और प्लस एक्स के कैप और प्लस एक्स वाई। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आई वाला तो कौन है, ज़ीरो है आई वाला, तो यहाँ पर क्या होगा फैक्टर, आई वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, और जे वाला भी ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ जे नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं तो बताऊँ, इसको क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो आई कैप प्लस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप लिख सकते हैं डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस एक्स के कैप प्लस किसके बराबर, प्लस एक्स वाई। तो देखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया ज़ीरो, इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो गया, ज़ीरो, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, माइनस एक्स वाई और के डॉट के, के डॉट के किसके बराबर होता है, वन के बराबर, और प्लस का एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर। ठेड़े ठेड़े, ठीक है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी करिए, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स वेक्टर ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो देखिए, देखिए, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, है ना, कौन, ए बी सी, अब इसमें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दो लाइन को क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना इसका क्या है। टू वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है जे प्लस के कैप को, है ना, ए बी, और ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री आई कैप प्लस, नहीं है, माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। ये दो साइड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ए से जाने वाले मीडियन ए डी की लेंथ तुम्हें क्या करनी है, बतानी है, क्लियर। इसको भी सॉल्व करने के बहुत मेथड है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल मेथड लगाएंगे। क्या सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ाया गया है वेक्टर के अंदर, है ना, उसके अंदर आप देखेंगे कि एक और फार्मूला होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। तो किसी भी मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ले लीजिए आप, क्योंकि ए से अगर आप पोजीशन वेक्टर लेंगे इसका, तो यही तो, क्लियर। तो देखिए, ए से अगर आप मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेंगे, और अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कौन है, बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है,
इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू। क्लियर? देखिए हर पॉइंट का अपने एक पोजीशन वेक्टर होता है, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर किसका बोल रहा है, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। अब इसका प्रूफ वगैरह नहीं करा रहा है, तो एक सिंपल से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना वेक्टर के अंदर। वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट डी निकालना है तो किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाई टू। चलिए बताइए किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर कितना है, जे प्लस के प्लस ए बी वेक्टर कितना है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। ठीक है, जे से जे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, थ्री आई कैप प्लस फाइव के कैप अपॉन टू। इस वेक्टर को, इस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डी वेक्टर मान लूँ, क्या मान लूँ, या सी मान लूँ, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर किसके बराबर हो गया, थ्री बाई टू आई कैप प्लस फाइव बाई टू के कैप। क्लियर? अब तुम्हें बताना क्या है, इसके अंदर लेंथ बतानी है, तो क्या बतानी है, लेंथ ऑफ, ये सी वेक्टर हो गया आपका, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन ए डी दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो गया, थ्री थ्री जो नाइन बाई फोर, ट्वेंटी फाइव बाई फोर, है ना, कितना हो गया, थर्टी फोर बाई फोर, तो ये हो गया अंडर रूट थर्टी फोर बाई टू। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखिए नाइन्थ क्लास के अंदर मीडियन निकालने के अलग फार्मूलाज होते थे, लेकिन लेंथ इतनी ही आने वाली है अगर आप वेक्टर के मेथड से भी निकालेंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, आप प्लीज़ इनके फार्मूलाज को याद करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। इफ़ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वन के बराबर, है ना, सच दैट ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। क्या बात है, ए प्लस बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। वेरी गुड, अच्छी बात है, यूनिट वेक्टर हैं, है ना। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अपने को क्या बताना है, एंगल बताना है। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप उसके वेक्टर के फॉर्म में उसी का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो आप इसे ले लीजिए कि आप a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखिए भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो समझो पूरा चैप्टर आपने कर लिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर, 20 क्वेश्चंस में, है ना, लगा दीजिए। देखिए इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वन के बराबर, तो वन का स्क्वायर, ये कौन हो गया, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, वन वन जा वन, तो ये हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया ए डॉट बी, ये कॉम्यूटेटिव होता है तो ये भी क्या हो गया, ए डॉट बी, ये हो गया बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वन इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, वन, तो वन स्क्वायर, ए बी, ए बी तो टू ए डॉट बी बराबर, और इसकी वैल्यू भी वन है तो वन का स्क्वायर। देखिए वन इज इक्वल टू वन प्लस वन कितना हो गया, टू प्लस टू ए डॉट बी। क्लियर? ये प्लस का टू इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस टू इज इक्वल टू टू ए डॉट बी, ठे ठे हो गया।
तो ये हो गया माइनस वन इज इक्वल टू टू। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि तभी तो थीटा आएगा। तो ये हो गया माइनस वन बाई टू। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है, आप चाहे वेक्टर की फॉर्म में लिखो चाहे वैसे लिखो। तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, इनकी वैल्यू वन है, तो वन इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली मेरे पास कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस वन बाई टू के। इसका वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। अब बताइए, जिसको एंगल की नॉलेज है वो बहुत इजी वे में निकाल सकता है। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये है कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कॉस 60 के। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है। माइनस हटाने के लिए आप इसे देखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। माइनस जो है हट भी जाना चाहिए और वापस भी आ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी कौन किस में पॉजिटिव होता है और किस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए, अगर आप नेगेटिव लाना है तो पाई माइनस से भी ला सकते हैं आप, है ना, पाई प्लस से भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एंगल जो है वो एक्यूट एंगल निकालना है अपने को, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। और सेकंड पार्ट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? कॉस 2 पाई बाई थ्री, थ्री बन जा थ्री, थ्री माइनस वन, 2 पाई बाई थ्री। और ये किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के। तो थीटा किसके बराबर हो गया? 2 पाई बाई थ्री बराबर। कितने डिग्री है ये? 120 डिग्री। कितने डिग्री? 160 है ना, तो 180, तो 360 जा और 62 का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए, अब इससे छोटा एंगल तो नहीं आ सकता, तो ये एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूस में ही बनेगा ये, कितना? 120। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे छोटा एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यही एंगल बनेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू बतानी है? पी की वैल्यू। फॉर विच द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड i कैप माइनस 2pj कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। तो इसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये कौन है? बी वेक्टर है। अपने को गिवन है कि ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना। क्लियर। ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का केस आप जानते ही हैं, बराबर। ये भी पैरेलल होता है, ये भी क्या होता है? पैरेलल होता है। ये भी क्या होता है? पैरेलल होता है। क्लियर। तो किसी भी डायरेक्टेड लाइन पर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन पर अगर कोई दूसरा वेक्टर बनाते हैं तो वो उसके क्या होता है? पैरेलल होता है। या किसी भी वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन के पैरेलल अगर आप कोई वेक्टर बनाते हैं तो वो भी पैरेलल होता है। डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कि डायरेक्शन इधर हो या इधर हो। क्लियर। वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। और पैरेलल के केस में इनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं किसके? आई जे के के, वो प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब उनका रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि दो पैरेलल लाइन के बारे में a1 upon a2 b1 upon b2, ये सब पढ़ते थे। लेकिन उसमें एक लोचा था, वो लाइंस थे, ये क्या हैं? वेक्टर हैं। उसमें a1 upon a2 = b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 होता था पैरेलल लाइन के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन के लिए आप लिखेंगे a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। तो उसके लिए अपने को एक लाइन लिखना पड़ेगी, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स द प्रोजेक्शंस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शंस ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स आर इन प्रोपोर्शन, बराबर। किसमें होंगे? प्रोपोर्शन में। तो 3 upon 1
और 2 अपॉन माइनस 2p और 9 अपॉन 3। क्लियर? तो किसी दो को बराबर ले लो तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2p। 2 से 2 कट गया तो किसके बराबर आ गया, 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस p। बराबर? तो p इधर ले लो, 3 को उधर भेज दो तो कितना हो गया, p इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, p की वैल्यू किसके बराबर आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पी की वैल्यू -1/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। और एक बात और बता दूं, पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो ए वेक्टर, तो जो बी वेक्टर होगा जो ए के पैरेलल है उसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर। बराबर? तो मेरे भाई बात तो वही है, बी वेक्टर को आप क्या ले लो, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, और इसको क्या ले लो आप, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। अब ज़रा सोचिए, इसको मैं लैम्डा ए वन आई कैप लिख सकता हूँ, इसको लैम्डा बी वन जे कैप लिख सकता हूँ, इसको लैम्डा सी वन के कैप। अब कोई भी दो वेक्टर कब बराबर होते हैं, जब उनके प्रोजेक्शंस बराबर होते हैं। तो लैम्डा ए वन हो गया, तो ए टू अपॉन ए वन किसके बराबर हो गया, लैम्डा के। तो वही तो रेशियो निकाल रहे हैं। इसी तरह बी टू अपॉन बी वन, सी टू अपॉन सी वन उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये किसकी कंडीशन है, कोलिनियर की भी बोल सकते हैं और आप पैरेलल की भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, ये पता होना चाहिए। और ए प्लस बी का जो मॉड दे रखा है मैग्नीट्यूड, वो कितना है, 13। एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के। देन फाइंड द बी वेक्टर। तो सब कुछ तो दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं बता रहा हूँ पहले से ही, कि अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर दीजिए, उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए। आप इसको लिख लीजिए, ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर? ये कितना है, 13 का स्क्वायर निकालिए भाई, कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, यही तो आएगा। 13 का कितना होता है, 169। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको मैं ए डॉट बी, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी, और ये कौन हो गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू, ए कितना है, ए कितना है, 5। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 ए डॉट बी प्लस बी निकालना है अपने को। बराबर? बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0 प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, कौन बचेगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ गया, 144 इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन देख लें, 10 वाला ये 9th क्वेश्चन है, नंबर डाल लें 9, क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है अपने को, कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतने हैज द, ये कोई वेक्टर ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 10। ये वेक्टर क्या है, 2i कैप
माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप बराबर। इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में अपने को एक यूनिट वेक्टर नहीं बताना है, अपने को इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 21। तो किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो आप जितने मैग्नीट्यूड का बनाना चाहिए आप उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालिए ए कैप और उसको 21 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो इसका मैग्नीट्यूड ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा ना, 21 टाइम्स हो जाएगा किसका, ए वेक्टर का। तो उसका मैग्नीट्यूड 21 हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर कैसे निकलेगा, अपने को बताना है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, 21 ए कैप। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 21 ए कैप को आप क्या लिख सकते हैं, 21 ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 21, ए वेक्टर कौन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 21, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 के कैप, 2 जा 4, 3 जा 9, 6 जा 36। तो ये हो गया आपके पास 21 और ये हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 के कैप अंडर रूट 40 और 49। और 49 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए बताइए क्या सर, इतना सिंपल बात पूछ रहे हैं, ये तो 7 होता है, 7 3 जा कितना हो गया 21, तो 32 जा 6i कैप माइनस 9j कैप और प्लस 18 के कैप, है ना। ये यूनिट वेक्टर आ गया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ए है। तो ये हो गया आपका ए कैप और कितने टाइम्स, 21 टाइम। देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो 6 जा कितना हो गया 36, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 9 जा कितना हो गया 81 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, है ना। तो टोटल जब आप जोड़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 441 आना चाहिए, 6 10 और 11 और 8 और 2 10 और 3 13 14 और 4, है ना। इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट कितना होता है, 21 होता है ना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको उतार दिया। चलिए 50% क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर तुम्हें दिया है कि राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, किसके, आई क्रॉस जे प्लस के प्लस जे क्रॉस के प्लस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस जे, है ना। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए तुम्हें, ये आई ले लो, ये जे ले लो, ये के ले लो, है ना। तो एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर, है ना। उल्टा लेंगे तो आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर और के क्रॉस जे तो माइनस आई के बराबर और जे क्रॉस आई माइनस के बराबर, है ना। बस यही फंडा लगना है। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब अंदर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, क्या आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे, के क्रॉस आई के क्रॉस जे, क्लियर। अब बताइए आई क्रॉस जे के बराबर, है ना। आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, जे क्रॉस आई
माइनस के बराबर, के क्रॉस आई प्लस जे के बराबर, है ना, के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर, आई से आई कैंसिल, जे से जे कैंसिल, के से के कैंसिल, किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए कितना सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ए बी सी आर सच दैट, कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर, है ना, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 7। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अपने को थीटा बताना है बराबर। थीटा बताने के लिए ए और बी, ए बी कॉस थीटा आना चाहिए, तो बुलाने के लिए अपने को ये दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं इसको निकालने के। सिंपल मेथड ये हो सकता है कि आप ए प्लस बी को यहीं रखें और सी को उधर ले जाएं, बराबर। अब दोनों तरफ क्या ले लें, मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड कैसे होता है, वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कैसे पता यार लेना है ये, क्योंकि हमें इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया खलास। तो ये कितना हो गया, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 49। तो ये हो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं बार बार नहीं लिख, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना हो गया 2 ए डॉट बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये हो गया 3 3 9 प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा और प्लस 25 इज इक्वल टू 49। तो ये 16 और 9 कितने हो गए 24 प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और बी का कितना है 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। 3 2 6 6 5 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में माइनस 24। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 25 अपॉन 30। 49 में से 24 जाएंगे तो 25 ही तो बचेंगे। 5 5 5 6 तो थीटा किसके बराबर हो गया कॉस इनवर्स 5/6, दैट इज द आंसर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए पेज टर्न करेंगे क्योंकि आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लगाएंगे 13 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? क्वेश्चन तो सही लिखा है मैंने। हाँ, ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर हो गया और 7 × 7 = 49 होता है ना। तो 2AB 8B 30 हो गया। 3 × 3 = 9 5 × 5 = 25 9 × 5 = 14 क्या बात है, ऐसे ऐड करोगे 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 34 है ना। 34 माइनस करो तो ये कितना बचेगा, 5 और 1 15 × 2 = तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के। ठीक है, देखिए अगर और किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी मिस्टेक हो गई है तो आप जो है उसको खुद से ही क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वन शॉट लेक्चर है, इतनी देर तक कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है आंसर। ठीक है, आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखें द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए कौन है, i + j + k विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी वेक्टर 2i + 4j - 5k और सी वेक्टर कौन है, λ i + 2j + 3k इज इक्वल टू 1। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसका, स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ ए विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, अच्छा इन दोनों का सम ऑफ डी वेक्टर ले लीजिए, तो डी वेक्टर क्या होगा, b + c वेक्टर और डी के यूनिट वेक्टर के साथ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की। इस टाइप का क्वेश्चन NCERT के अंदर है, लेकिन उसमें ये डायरेक्ट ऐसे दिया है, इसमें लैंग्वेज के थ्रू दिया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ किसके बराबर है, यूनिटी के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी वेक्टर निकालेंगे, तो देखिए 2 + λ i = 4 × 2 = 6 j → 5 × 3 - 2k → 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे। क्लियर, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर यहाँ निकाल देंगे, तो देखिए ए डॉट यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर अपॉन डी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो देखिए ए कौन है, i + j + k डॉट डी वेक्टर कौन है, 2 + λ i + 6 j - 2k अपॉन अंडर रूट 2 + λ² + 6² + -2² है ना, इनके प्रोजेक्शंस का स्क्वायर। फिलहाल ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये उधर चला जाएगा उसका, है ना। ये कौन आ जाएगा, 2 + λ i · 1 +6 = 6 ± -2 = 2 √ ये उधर जाके 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + λ² = 36 2 × 2 = 4 तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो गया λ + 6 है ना, और ये कितना हो गया, 2 + λ² + 40 हो गया। अब लैम्डा लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो λ + 6² अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 2 + λ² + 40 क्लियर। अब देखो ये हो गया λ² + 36 + 12λ 2 × 2 = 4 + λ² +
फोर लैम्डा और प्लस 40, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 और माइनस 36, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचेगा 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बेसिक क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितना भी पोर्शन आ रहा है टर्म टू के अंदर वो सभी बेसिक्स को लेकर ही दे रखा है। ठीक है, चलिए अब बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे क्या होगा आपको और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया है तुम्हें कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखें एक वेक्टर कौन है ए प्लस बी, है ना, दूसरा वेक्टर कौन है ए माइनस बी। क्लियर, अपने को क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है इसका, अगर तुम्हें परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। इसको आप मान लो डी वेक्टर, इसको मान लो ई वेक्टर, इसको क्या मान लो, एक काम करो इसको मान लो सी वेक्टर, इसको मान लो डी वेक्टर। अब देखिए सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो क्रॉस होगा वो किधर आएगा, ऊपर की साइड आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सी क्रॉस डी वेक्टर, बराबर। अब ये कोई एक वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का आप क्या निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, बराबर। तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, आप इसको भी कुछ मान सकते हैं, ये कोई मान लो वेक्टर आ रहा है सी क्रॉस डी, ये वेक्टर मान लो आप एन वेक्टर मान लो, क्या मान लो एन वेक्टर, बराबर। अब इस एन वेक्टर का तुम्हें यूनिट वेक्टर बताना है, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, तो एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर किसके बराबर है, सी क्रॉस डी के, और तुम्हें सी क्रॉस डी का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। देखिए ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करिए, ये थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया है, तो अपने को पहले सी वेक्टर लाना है, क्या लाना है सी वेक्टर, तो उसके लिए ए वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो बताइए ए वेक्टर कितना है, आई प्लस जे प्लस के, है ना, और बी वेक्टर कितना है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, है ना। चलिए ए प्लस बी, सी वेक्टर किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के, तो जोड़ दीजिए एक और एक टू, है ना, एक और दो तीन, और एक और तीन चार, फोर के क्या, है ना, ये सी वेक्टर है। अब डी वेक्टर लाएंगे, डी वेक्टर क्या है, ए माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसे माइनस करो तो जीरो आई कैप, इसमें से इसे माइनस करो तो माइनस जे कैप, इसमें से इसे माइनस करो तो माइनस का टू के कैप। अब माइनस माइनस तो आना चाहिए यार हमें, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके बाद हमें क्या बताना है, सी क्रॉस डी बताना है, तो सी क्रॉस डी के लिए हमें क्या लिखना है, प्रोजेक्शंस आई जे के, अब दोनों डायरेक्शन के प्रोजेक्शन लिखना है, तो सी ये है आपके पास और डी वेक्टर ये है। क्लियर, तो बताइए 2 3 4 2 3 4, 0 -1 -2, 0 -1 -2, तो बताइए आई ये गया ये गया, 3 2 6, माइनस 4 1 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस जे कैप ये गया 2 2 4, और माइनस 0, है ना, ये गया तो 2 1 2, ये गया 2 1 2, माइनस 2, बाकी 0 हो जाएगा ये, है ना, तो कितना हो गया ये, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 2 का 4, है ना, तो कितना हो गया 24। देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, कितना है सी क्रॉस डी, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 24, ये आंसर हो गया। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, चाहे इसे लिख दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया।
15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखें क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड फॉर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। अच्छा, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो अपने को एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू अपने को ये दे रखा है, क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। वैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप आइडेंटिटी की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, क्या एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू किसके बराबर? 15 के। तो ये हो गया x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होगा। और प्लस ये कौन हो गया x डॉट a, ये कम्यूटेटिव होता है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ x डॉट a माइनस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये कैंसिल हो गया तो देखो वही तो आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते थे। मालूम है तो आगे से लगा दीजिए, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए प्रोडक्ट के लिए हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को और इसकी वैल्यू 1 है, ये दे रखा है इज इक्वल टू 15। तो 15 प्लस 1 16, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, फटाफट इन्हें ख़त्म करते हैं, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे के जो दो क्वेश्चन है ना, आप 100% लगा लीजिए। कौन कौन सा? 16 एंड 17 100% क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें दे रखा है, इफ़ पहले 16 क्वेश्चन, इफ़ ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी क्रॉस डी के, है ना, और ए क्रॉस सी किसके बराबर है? B क्रॉस B के। देन शो दैट A माइनस D इज पैरेलल टू B माइनस C, वेयर A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू D वेक्टर एंड B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। ठीक है, बराबर। जरा सोचिए, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दे रखी है तो इसका पक्का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, क्लियर। और अपने को बताना क्या है कि ये दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल के केस में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? इफ़ ए माइनस डी वेक्टर, अगर मैं मान लूँ कि ये पैरेलल हैं किसके? बी माइनस सी के, देन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो समझ लेना कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? पैरेलल हैं, बराबर। तो देखें कैसे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ज़ीरो प्रूफ करना है। अगर ज़ीरो हो गया तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो के बराबर। वो हमें शो कर देगा क्या कि ये पैरेलल वेक्टर हैं। तो आप मान लीजिए कि लेट इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, तो देखिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी, बराबर। अब देखिए A क्रॉस B है ना, और A क्रॉस B किसके बराबर है? C क्रॉस D के। तो इसको मैं जब क्रॉस में उल्टा करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस का आप क्या ले सकते हैं? C क्रॉस D, बराबर। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, या तो डायरेक्शन ऊपर होता है या डायरेक्शन किधर होता है? नीचे होता है। तो अगर ये ऊपर है C क्रॉस D, तो D क्रॉस C किधर आएगा? नीचे, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये कौन है? A क्रॉस C, इसका डायरेक्शन उल्टा करूँगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बी क्रॉस डी, तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हैं? सेम है, इक्वल हैं।
और ये भी इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए किसके बराबर है, बी क्रॉस बी के, तो ये किसके बराबर हो गया, ज़ीरो। इट मीन्स एंगल बिटवीन ए माइनस डी वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो डिग्री, विच रिप्रेजेंट दैट ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। ठीक है, चलिए नोट करिए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तीन चार क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या, इफ ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स, है ना, ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं और उसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट सी के, एंड ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए क्रॉस सी के बराबर, और बोल रहा है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन शो दैट कि बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 100% वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बी और सी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको आप इधर ले लीजिए, तो ये हो गया ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लो, तो ये कौन हो गया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब ज़रा सोचिए इसका डॉट इसके साथ किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कि या तो ए वेक्टर ज़ीरो या बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, या इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि थीटा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। थीटा ज़ीरो होने के लिए ए वेक्टर पैरेलल होना चाहिए किसके, बी माइनस सी के। ये बात हजम हो रही है, तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये जीरो तो पूरा जीरो, या तो ये जीरो तो ये पूरा जीरो, या ये दोनों पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री होना चाहिए, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है ना, है ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे वेक्टर। अब देखिए वो पहले ही बोल रहा है कि ए वेक्टर जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। अब ये दो कंडीशन पर बात आकर अटकती है, उसके लिए एक केस और दे रखा है, क्या इसको इधर ले लीजिए, ए क्रॉस बी इज माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, बी माइनस सी। अब के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ए वेक्टर ज़ीरो, या बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इन दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, और साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वो बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है ना, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू तो वन होती है ना, तो ज़ीरो लाने 90 होना चाहिए, तो ए क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, एक तो ये केस बन सकता है कि ये इसके क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, बराबर। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब थीटा जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तभी तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी माइनस सी वेक्टर के। अब ज़रा सोचिए ये केस तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने पहले दे रखा है कि ए जीरो के बराबर नहीं है, और ये दोनों केस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कोई भी सेम वेक्टर दोनों केस में दो कंडीशन नहीं दिखा सकता, ना वो पैरेलल दिखा सकता ना ही परपेंडिकुलर दिखा सकता, तो हम क्या लिखेंगे कि एज ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलल और परपेंडिकुलर एट अ टाइम,
एक ही टाइम पर ना तो वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना ही पैरेलल हो सकते हैं। सो देयरफॉर एक ही कंडीशन बची, क्या बी माइनस सी वैक्टर किसके बराबर, जीरो के, विच शोज दैट बी इज इक्वल टू सी। ठेड़ा ठेड़ा क्या सर, मज़ा आ गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बना दिया आपने। चलिए 18वां क्वेश्चन लगाएंगे, 18 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, अगर 3 मार्क्स में आ गया तो बल्ले बल्ले है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ए एंड बी आर द टू वैक्टर्स सच दैट, 18 क्वेश्चन, दो वेक्टर इस तरह हैं कि उनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर है, देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, थीटा बताना है अपने को, क्या बताना है, थीटा बताइए। स्केलर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल भी रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो स्केलर ही आता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। हाँ, इसमें वेक्टर आता है तो अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, बाकी वैसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया 10 थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू होती है 10π/4 की, तो थीटा किसके बराबर हो गया, π/4, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए ये 2 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, सिंपल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाएंगे, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट फिनिश करते हैं ना और आज का सेशन ओवर करते हैं यार जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में शो दैट द पॉइंट्स ए 1 2 7, बी 2 6 3 और सी 3 10 -1 आर कोलिनियर। क्या शो करना है, कोलिनियर शो करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं, एक मेथड मैं बताता हूँ वो आप खुद से करना। पहले आप इनको पॉइंट मान लीजिए किसी ट्राइंगल के, है ना, क्या है ये ए बी सी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं अपने को, ओ ए कितना है आई प्लस 2j+7k, ओ बी कितना है 2i+6j+3k, ओ सी कितना है 3i+10j-k। तो एक तो मेथड ये है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें ए बी और बी सी, अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि कोलिनियर बताने के लिए अगर ये ए बी और सी हैं तो पहले आप ए बी साइड निकालिए, फिर बी सी निकालिए, उन दोनों का सम किसके बराबर, ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो आपकी चॉइस है। ऐसा एक एग्जांपल है वो आप खुद से लगा लेना, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से बता देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, तो कौन हो जाएगा, बी सी क्रॉस, बताइए बी सी क्रॉस ए बी, बी सी क्रॉस ए बी, है ना, बी सी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बी सी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हैं, है ना। एरिया अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये वाला मेथड करा देता हूँ, तो सबसे पहले बी सी निकालिए, बी सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, इसमें से इसे माइनस करेंगे 3 में से तो कितना आएगा आई कैप, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस का 4j-k, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस का 4k-k, और बी सी, दोनों बी सी लिखते हैं, बी सी इंटू बी ए, बी ए निकालेंगे, बी ए तो क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ बी, पोजिशन वेक्टर निकालना आता ही होगा अपने को, है ना, बताइए ओ ए माइनस ओ बी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का आई कैप, माइनस का 4j-k और प्लस का 4k-k, इसमें से जाएगा तो माइनस का बचेगा, इसमें से जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, इसमें तो प्लस का 4 बचेगा, है ना। तो देखिए 1/2 ij-k 1 4-4 -1 -4 और 4, ये तो चलिए 1/2 कितना हो गया आई,
ये गया चार चौक 16 और चार चौक 16, देखो जीरो बन गया ये, और माइनस जे कैप, सभी जीरो बन जाएंगे। तो जे कैप में ये गया 4 बन जा 4 और माइनस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया फॉर्मूले वाला माइनस, और प्लस के कैप ये गया 4 बन जा 4 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, ये सब कैंसिल हो गए तो कितना हो गया 1/2 × 0 = 0, विच शोज दैट देर इज़ नो एरिया कवर्ड बाई दीज थ्री पॉइंट्स, है ना। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अपने को दिया है कि 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशंस, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, और अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2। तो अपने को बताना है म्यू की वैल्यू, और म्यू कौन है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए कैसे आएंगे, इसका इसी के साथ डॉट निकाल दो, और डॉट निकालने का मतलब क्या है कि अगर आप ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो आप इसके मैग्नीट्यूड को भी, 0 वेक्टर है ना ये, तो इसके मैग्नीट्यूड को भी आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो आप इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को भी क्या ले सकते हैं, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, है ना। 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी 0 होता है। इसको आप दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0। आगे देखो भाई कॉन्सेप्ट, तो बताइए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, है ना। अब देखो सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बी डॉट ए, तो ये हो गया 2a डॉट बी, वो इस टाइम में नहीं लिख रहा, कॉम्यूटेटिव वाला आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। प्लस बी डॉट सी और बी डॉट सी, तो कितना हो गया 2b डॉट सी, सी डॉट ए और c डॉट ए, तो कितना हो गया 2c डॉट ए, ठीक है। एक स्टेप आप कॉम्यूटेटिव करके लिखेंगे, मतलब a b डॉट ए को a डॉट b। अब देखें प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहाँ गया, ये, और प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लो तो कौन हो गया, ये a डॉट b b डॉट c और सी डॉट ए हो गया, और बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, इसे ले लो म्यू, क्योंकि इसी की वैल्यू बतानी है अपने को, है देखो सेम, है ना। और प्लस 4 जा 16, 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 21, 16 4 20 और 1 21, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस 21/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन कंटेंट ऑन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपसे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।